हे गाइस, तो आज हमारी सवारी जा रही है भारतीय सिटी मॉल बैंगलोर की तरफ। तो रिसेंटली मुझे भी इस मॉल के बारे में पता चला है, तो आप यहाँ से जो देख रहे हैं तो यहीं से जो है मॉल का स्टार्टिंग हो जाता है। जैसा ही आपको नाम से पता चल रहा है भारतीय सिटी मॉल, तो मॉल के इर्द गिर्द इन लोगों ने एक तरीके का सिटी बना के रखा है, इनका खुद का। आपको स्कूल देखने मिलेगा, कॉलेज, हॉस्पिटल और इनके अपार्टमेंट भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको लेके चलने वाली हूँ भारतीय सिटी मॉल, और मैं आपको जो हूँ पूरा मॉल का टूर कराने वाली हूँ। तो आप ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भारतीय सिटी मॉल के ही अंदर आता है और यहाँ से ही ये स्टार्ट हो चुका है। तो लगभग मॉल तक पहुँचने के लिए हमें 3 से 4 किलोमीटर जो है हमें अभी राइड करके जाना पड़ेगा। तो आप मेरे राइट साइड देख सकते हैं, ये जो अपार्टमेंट दिख रहा है ये भी इन्हीं लोगों का है, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो है पूरा गार्डनिंग करके रखा है। सो गाइज, ये मॉल आपको दूसरे मॉल से कम्प्लीटली हटके होने वाला है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि कोई भी सिटी जो है जब कोई प्लान करके बनाते हैं तो वो कितना ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो वैसे ही इस मॉल को भी बनाया गया है पूरे तरीके से प्लान करके। तो आप देख सकते हैं ये जो टोटो जा रही है ये भी भारतीय सिटी मॉल का है, तो आप जो है अपार्टमेंट के लिए इस तरह का टोटो ले सकते हैं। और यहाँ पर जो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग सब थी जिसको मैं देख के ही मिसमराइज्ड हो गई हूँ। अभी हम लोग ऐसे ही राउंड ले रहे हैं ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखे कि मॉल बाहर से कैसा दिखता है, क्योंकि मॉल जो है वो पीछे ही छूट गया है। बट मैं जो हूँ आप लोगों को अपने साथ जो है ये एरिया भी एक्सप्लोर करा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रीनरी है, और यहाँ पर बोर्ड पर आप देख सकते हैं इनका मॉल है, सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है। और आज का वेदर जो है काफ़ी ज़बरदस्त हो रखा है, बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, बारिश फाइनली ख़त्म हुई है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम जो है अपने साथ आपको ये मॉल जो है एक्सप्लोर करा सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो आप मेरे राइट साइड जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये है ऑफिस था, तो अभी हमें यहाँ से राइट लेना है मॉल के लिए। तो मैंने आपको एक पूरा टूर दिखा दिया कि बाहर से ये मॉल कैसा लगता है। तो चलिए, आप जैसे ही राइट साइड लेंगे कि आपको यहाँ पे एक बड़ा सा होर्डिंग दिख जाएगा जिसमें लिखा है भारतीय सिटी मॉल। तो हम अभी चल रहे हैं मॉल की तरफ। तो गाइस, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप में से कितने सारे लोग जो है इस मॉल में आ चुके हो। ऑलमोस्ट मॉल के एंट्रेंस में पहुंच चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी पर्सनल व्हीकल से ही आ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा कैब है, ऑटो है। तो इस मॉल के बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता है। तो ये रहा बाहर से मॉल का व्यू। तो आप देख सकते हैं पीवीआर लाइफ स्टाइल हर मॉल में आपको बाहर से दिखेगा वैसा ही है। तो चलिए, हम अभी आपको सबसे पहले लेके चलते हैं इनकी पार्किंग एरिया में। तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको जो है पूरी लाइटिंग दिख जाएगी। तो हम आए थे ये प्लेस एक्सप्लोर करने वीकेंड पे, बट उतना ज़्यादा मुझे क्राउड नहीं लगा वीकेंड पे। तो मे बी रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस मॉल के बारे में नहीं पता होगा। तो अगर अभी तक जिसने भी फूडी श्वेता का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट जो अपने चैनल पर लेके आती हूँ। तो हम पहुंच गए हैं इनकी पार्किंग एरिया में। तो यहाँ पे पार्किंग चार्ज है 2 व्हीलर का ये लोग 30 रुपीज़ ले रहे हैं और 4 व्हीलर का 50 रुपीज़ ले रहे हैं। तो चलिए, हम करते हैं अपनी गाड़ी पार्क। हम पहुंच गए हैं भारतीय मॉल के पार्किंग एरिया में और अभी हम गाड़ी अपनी पार्क कर रहे हैं। बाहर से हमें बहुत खूबसूरत लगा, अभी चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल श्वेता। तो हम पहुंच गए हैं आज भारतीय मॉल ऑफ बैंगलोर, जो कि नियर टू तानी सांद्रा है। तो आज हम आए हैं इस मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि इस मॉल में आओ, ये मॉल बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अपने साथ आपको भी एक्सप्लोर कराती हूँ ये। अंदर एंटर
करोगे कि आपको बच्चों लोगों के लिए पूरा फन रूम देखने को मिलेगा। तो अगर आपके साथ फैमिली है, स्पेशली बच्चे हैं, तो ये एरिया वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। और जैसा हर मॉल में होता है, आपको मॉल में होता है कि ब्रांडेड शोरूम देखने मिलते हैं, बट ये पार्ट जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली मॉल में आपको ये पार्ट नहीं देखने मिलेगा, अंदर मिलेगा। पार्किंग एरिया, ये है मॉल का एंट्रेंस। बस हम अभी बाहर आपको देंगे एक पूरा राउंड, और उसके बाद आपको अंदर लेके जाएंगे। और वो रहे हमारे भाभी बंधु लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये एक्टिविटी मैंने जो है हैदराबाद में किया था, तो मैं यहाँ पे वही सोच रही हूँ करने का। बट जब मैं वहाँ गई और इंक्वायरी किया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मैक्स वेट जो है वो 45 केजी तक ही ये लोग लेते हैं, और मैं हूँ 50 केजी की। तो इसलिए हम लोगों ने जो है ये एक्टिविटी करने का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया। बट इसमें बहुत मज़ा भी आता है और डर भी लगता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ रील, तो अगर आपको वो देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है foodie.shweta। तो ये मॉल के बाहर का एरिया, यहाँ पे भी इन लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट करके रखा था, और आपको यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। तो आप नॉर्मल मॉल में जाओगे तो वहाँ पे छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट बना के रखते हैं, बट इन लोगों ने इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखा था कि आप देख सकते हो कि लोग यहीं पर ज़मीन पर बैठ के ही अपना मील इंजॉय कर रहे हैं। वैसे टेबल कुर्सी भी है, अगर आपको वहाँ पर बैठ के इंजॉय करना है अपना मील तो आप इंजॉय कर सकते हो। और आप इस एरिया को भी देख सकते हैं, इन लोगों ने कितना अच्छे से लाइटिंग करके रखा है। तो हम लोग जब मॉल घूम के आए यहाँ पे, हम लोगों ने 2-3 आवर हम लोग यहीं पे बैठ के, हम लोगों ने जितना भी ग्रुप हमारा गया था, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और आप आगे की तरफ थोड़ा सा जाओगे तो आपको यहाँ पे फाउंटेन दिख जाएगा, तो यहाँ पे भी आप जो है फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इस एरिया में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो खेल रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एरिया में जो हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ। तो इस मॉल में आप जो है बैक साइड से भी एंट्री ले सकते हो या फ्रंट साइड से भी एंट्री ले सकते हो। तो हम यहाँ पे खड़े होकर वही डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस साइड से एंट्री ले। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन में आए हैं कि हम जो है बैक साइड से ही एंट्री लेंगे। तो चलिए अब जो है पूरा आप अंदर से ये मॉल देखिए कि अंदर से ये मॉल कैसा दिखता है। तो हम हैं अभी इनके ग्राउंड फ्लोर पे। तो जैसा और नॉर्मल मॉल में आपको देखने के लिए मिलता है सारे आपको ब्रांडेड स्टोर, वैसे ही इस मॉल में भी था। बट जैसे ही हम लोगों ने इंटर किया, तो इन लोगों ने जो है एक प्ले थीम का कैफ़े बना के रखा है। और यहाँ पे आप जो है अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा था। स्टॉप हो गया ना।
शॉप देखने को मिलेगा। और ये रहा स्केचर्स और ये हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। तो मैं भी जो हूँ ये मॉल फर्स्ट बार आ रही हूँ। सो गाइज, अगर मैं यहाँ के क्राउड की बात करूँ तो क्राउड आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आप जो है अच्छे से यहाँ पे आ सकते हो, टाइम जो है अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। ज़्यादा क्राउड प्लेस में हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। एक तरह से देखेंगे तो फूड कोर्ट टाइप का है, रेस्टोरेंट वगैरह देखने को मिलेगा। तो चलिए, तुर्की आइसक्रीम मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले सेकेंड फ्लोर पे आपको एथनिक वेयर का बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। वैसे बीवा वगैरह का आपको देखने मिलता है अदर मॉल में, वैसे ही है यहाँ पे भी। और बहुत सारे स्टोर जो है अभी कमिंग सून ही दिखा रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं इनके फूड कोर्ट की तरफ और हम यहाँ पे वही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या खाना है और क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि जब भी हम कहीं खाने वाले एरिया में जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम क्या ले नहीं ले। तो यहाँ पे हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे हमें दिख गया है वेफर्स। तो हम तो यहाँ से खाने वाले हैं वेफर्स, मुझे बहुत दिन हुआ वेफर खाए हुए। तो यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं वेफर्स, मुझे तो काफी पसंद है। और यही मैं बता रही थी कि यहाँ पे ओपन किचन है। ऑर्डर कर लिया, अभी हम खाएंगे पिंक और उसके बाद घर के ले जाएंगे। तो मैंने आपको पूरा ये भारतीय सिटी मॉल जो है आपको अपने साथ घुमा दिया है। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। और गाइस, जो अभी तक ये मॉल नहीं आए हो, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप ये मॉल आओ।